like a bell cut. दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं एक्सेल गुरु। गाइस, आज हम टॉपिक कवर करेंगे इंडेक्स फंक्शन। ये क्या होता है, किस तरह इसको यूज में ला सकते हैं गाइस, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जो इंडेक्स फंक्शन है गाइस, ठीक है, ये हमेशा आपसे रो नंबर मांगता है और मांगता है कॉलम नंबर, ठीक है। चलिए डिटेल में बता देता हूँ आपको। ये जो इंडेक्स होता है, ये हमेशा आपसे कॉलम लेगा और आपसे लेगा रो नंबर जब भी आप अप्लाई करेंगे। देखिए गाइस, आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। एरे, एरे क्या है, जिस डेटा के अंदर आपको रिजल्ट चाहिए उसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, लगाते हैं कोमा, उसके बाद मांगता है रो का नंबर। तो जो रो का नंबर मैंने आपको दिखाया था, ये रो नंबर ये आप डालेंगे। सपोज 11 है तो लिख देंगे 11, ठीक है, उसके बाद कोमा, ये बोल रहा है फिर कोमा के बाद कॉलम नंबर, ठीक है। तो कॉलम नंबर कौन सी है, सपोज आपको चाहिए ये वाली, ठीक है। तो H आपके डेटा में जहां भी आ रहा हो आप वहां पे दे दें, ठीक है। यह H है तो H, अगर I है तो I को दें आप, ठीक है गाइस। तो ये जो है इस तरह काम करेगा इंडेक्स। चलिए गाइस, मैं आपको पूरे डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरह काम करता है। हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, जिस पे हम अप्लाई करेंगे इंडेक्स को। यहाँ पे कस्टमर के नेम लिखे हुए हैं, ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी और सेल्स, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा गाइस, शेयर कर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी एक्सेल रिलेटेड नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है गाइस। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस, ताकि जो भी एक्सेल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो गाइस चलिए टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें पहले पता करना है कि सपोज हमारे जो ये कस्टमर है, इनकी पोजीशन क्या है, ये कौन से कॉलम में है, ठीक है गाइस। तो इसको पता करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे इंडेक्स। सपोज हम यहाँ पे कस्टमर का नाम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लगाते हैं हम इंडेक्स, लगते हैं इक्वल इंडेक्स, ब्रैकेट खोलते हैं, देते हैं एरे। तो हमें सिर्फ नाम पता करने हैं, इनकी इनकी पोजीशन पता करनी है, लगा दिया हमने यहाँ कोमा। अब ये बोल रहा है कि रो नंबर क्या है, ठीक है, तो हमने डाल दिया रो नंबर ये, ठीक है। हमारे पास कोई रो नहीं है, हमने यहाँ पे रो डाल दिया, यहाँ पे रो नंबर हमारा आ जाएगा कि कौन सा कस्टमर हमारे कौन सी रो में है, ठीक है गाइस। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, करते हैं एंटर। तो यहाँ सपोज मैं लिखता हूँ अगर 4, तो 4 नंबर पे पंकज, 4 नंबर पे पंकज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज 3, तो विनोद आ गया, नंबर 12 डालते हैं, चलिए सीधे 12। तो जो चंदन जी की पोजीशन है वो है नंबर 13 पे, ठीक है गाइस। लेकिन अगर हमें डेटा ढूंढना हो कि हम यहाँ पे डालें रो नंबर चेंज करें और यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करें और रो नंबर चेंज करें, तो उसके हिसाब से डेटा हमारा रिजल्ट यहाँ पर आता रहे कि कौन से पोजीशन पे है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये इंडेक्स होता है ये हमेशा आपके रो और कॉलम पे कवर करता है, ठीक है गाइस। तो चलिए इस टॉपिक को चालू करते द्वारा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट खोला मैंने, ठीक है, ये बोल रहा एरे क्या है, मैंने पूरी शीट दे दी यहाँ पर, क्योंकि हमें इस वक्त कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ लगा दिया मैंने कोमा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका रो कौन सा है, तो मैंने रो नंबर इसको दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने कोमा। अब ये बोल रहा है कि कॉलम नंबर क्या, वो मैंने इसको दे दिया ब्लैंक शीट को, ठीक है, यहाँ लगा दिया ब्रैकेट क्लोज, करते हैं एंटर। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4, तो रिजल्ट क्या आया, 7.372, मतलब कि रो नंबर 12, रो नंबर जो है वो है 12 और कॉलम नंबर 4, मतलब कि 1, 2, 3, 4। देख रहे गाइस आप, अगर मैं लिखता हूँ सपोज यहाँ पे 10, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, तो आ गई यहाँ पर कस्टमर की ऑर्डर आईडी, क्योंकि 10 जो रो है, ठीक है, जो 10 नंबर की रो है सागर वाली, ठीक है, उसका जो तीसरा कॉलम है 1, 2, 3, ठीक है, उसकी जो कस्टमर की आईडी है वो है ये, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, चलिए नंबर 2 मुकेश का ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, तो देखिए मुकेश की जो सेल्स आ रही है वो आ रही है 14.62, ठीक है। तो ये इस तरह काम करेगा इंडेक्स फंक्शन, हमेशा आपसे रो मांगता है और आपसे मांगता है कॉलम नंबर। चलिए एक हम दूसरे फॉर्मेट से कोशिश करते हैं इसको समझने की गाइस।
सपोज हमने यहाँ पे डेटा उठा लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, इसको देते हैं, हटा लेते हैं। अगर सपोज हमें चाहिए यहाँ पे सेल कस्टमर की, तो सेल वाला यहाँ पे हम उठा के ब्रैकेट जो फॉर्मेट है रख लेते हैं। अब हम निकालेंगे इंडेक्स फंक्शन से सेल किस की कितनी सेल आ रही है। सपोज ये जो डेटा है आपके पास यहाँ नहीं है, ये आपकी किसी दूसरी सीट पर रखा हुआ है और आपको चाहिए यहाँ पर, आप कुछ मिसिंग भी हैं, ठीक है, ये नहीं है। अब आपके पास मान लीजिए 1000 कस्टमर है, उनकी लिस्ट है, अब उन 1000 में से आपके पास 500 कस्टमर की लिस्ट है जिसमें से आपको ढूंढने हैं, तो देखिए कैसे ढूंढेंगे आप। लगाइए इक्वल टू, लिखते हैं इंडेक्स, करते हैं टैब, ठीक है, ये बोला टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे हमारी ये है, ठीक है। अब ये बोल रहा है रो नंबर क्या है, किस रो का डेटा चाहते हैं हम, ठीक है, तो हम चाहते हैं मुकेश का, चले मुकेश रखा हमने, हम यहाँ पे किसी का भी रख सकते हैं गाइस, ठीक है, हमने राकेश रखा है तो हम राकेश का निकाल लेते हैं, तो रो नंबर 1 हमने डाल दिया, रो नंबर 1, ठीक है, लगा दिया कोमा। अभी बोले कॉलम कौन सा है, कौन इस जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है इसमें कौन से कॉलम का आप रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं, तो कॉलम नंबर चाहते हैं हम 4 का रिजल्ट, क्योंकि सेल्स हमारी 4 पे है, काउंट कीजिए 1 2 3 4, सेल्स हमारी 4 पे, यहां कर देंगे ब्रैकेट क्लोज गाइस, ठीक है, करते हैं एंटर, ठीक है, तो राकेश का हमें रिजल्ट यहां पे मिल गया है। अब हमें बाकियों का रिजल्ट ढूंढना है, तो गाइस हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे कर देंगे डबल क्लिक, तो जो भी हमारे कस्टमर है सबकी सेल्स नंबर देखिए यहां पे सामने आ गई है, रंजन ये जो काजन है इनकी आ गई है, ठीक है, चंदन जी की आ गई है और सागर की, प्रताप की, जो एग्जैक्ट वैल्यू सामने लिखी हुई है वो हमने हमें इंडेक्स फंक्शन में लाके यहां पे दे दिए गाइस, ठीक है। तो इस तरह आप इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं गाइस, सिंगल भी लगा सकते हैं। पहले आपको पता करना होता है कि जो उसको आप ढूंढना चाहते हैं वो कौन सी रो में है गाइस और उसका कॉलम नंबर क्या है, ठीक है। तो गाइस इंडेक्स फंक्शन जो होता है ये मैच के साथ और भी पावरफुल हो जाता है, ठीक है, तो इंडेक्स और मैच आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें कि ताकि हम इंडेक्स और मैच जो कि बहुत पावरफुल एक बन जाता है उसको कैसे सीखे गाइस, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा, ठीक है, छोटे को प्यार करें, बड़े को रिस्पेक्ट दे गाइस। जय भारत, जय हिंद।